Assalamu alaikum dear students, welcome back xpacademy.com jahan par aap step by steps AutoCAD urdu zuban mein seekh rahe hain. Dear students, aaj main aapko 3D solid ki ek command batane ja raha hu aur yaad rakhiyega 3D ke andar ye mostly use hone wali command hai. Yani ki agar aapko 3D ka control karna hai, is command ko aapko lazmi seekhna hoga aur isi command ke through आपको तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करना होता है. यानी कि तमाम आगे आने वाले जितने भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स होंगे, ये मैं भी आपको तीन लेसन जो आगे दूंगा, इन्हीं तीन लेसन के अंदर रहते हुए आपने 95 से 99% काम करना होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन को बखूबी देखिएगा, जैसे समझना है वापस अपने लेक्चर्स को रिपीट कीजिएगा. लेकिन जब तक आपको समझ नहीं आती उस तक आपने आगे नहीं जाने की कोशिश करनी. तो डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. तो मैंने अपने पास AutoCAD को ओपन कर दिया. सबसे पहला काम हमेशा की तरह व्यू के अंदर जाएं, डिस्प्ले को UCS आइकन को रिजन कर दें. दूसरा काम U N कीबोर्ड से एंटर करें या फॉर्मेट के ऊपर चले जाएं और यूनिट्स इंजीनियरिंग फिट्स ऑरेंज ओके. फिर इसके बाद अगेन फॉर्मेट में चले जाएं और डायमेंशन को अपने परफेक्ट बना दें. मॉडिफाइड इंजीनियरिंग फिर सरेंच ओके और क्लोज कर दें इसे. अब आप टॉप व्यू के ऊपर हैं, आप एस्टिमेटेड व्यू के ऊपर चले जाएं, आप इस व्यू में आ चुके हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करता हूं अपना लेसन. आज हमारा जो काम है ड्रॉ और सॉलिड की कुछ कमांड्स को देखना है. तो सॉलिड की जो मैं ऑप्शन आपको बताने जा रहा हूं, वो मैं आपको एक्सट्रूड से शुरू कराऊंगा. अब ये एक्सट्रूड क्या चीज है, तो सबसे पहले मैं अपने पास कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूं. ये मैंने एक बॉक्स उठाया, देन मैं एक सर्कल उठा लेता हूं. मैंने एक सर्कल उठाया, आप इन शेप्स को देखते जाएं. उसके बाद मैं एक पॉलीगॉन उठा लेता हूं और इसके मैं 8 साइड बना लेता हूं. ये मैंने एक पॉलीगॉन उठा लिया, देन यहां से मैं अपने पास सिंपल एक लाइन ले लेता हूं. अब मैं इसको 1, इस लाइन को मैं साइड पे ले जाता हूं, यहां पे F8 1 2 और ये 3 पॉइंट्स लेता हूं. देन मैंने पॉली लाइन अपने पास उठा लिया. डियर स्टूडेंट्स, अब इसको मैं इधर मिडल पे ले आता हूं, 1 2 3 और क्लोज करते हैं. तो मैंने ये कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर दिए हैं. अब अगर मैं आपको इन ऑब्जेक्ट्स की कुछ फाउंडेशन बताने जाऊं, तो देखें जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, ये 1:12 सिलेक्ट होता है. इसी तरह से जब मैं इसको क्लिक करता हूं, ये 1:12 सिलेक्ट होता है, ये 1:12 सिलेक्ट हो रहा है, ये 1:12 सिलेक्ट हो रहा है. सॉरी, ये आपके पास 1:12 सिलेक्ट नहीं हो रहा. यहां पर आप जब भी क्लिक करते हो, आपके पास हर एक चीज अलग-अलग सिलेक्ट होती है. जबकि आप यहां पे क्लिक करते हो, ये आपके पास फुली ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है. यानी कि ये आपके पास पॉलीलाइन शेप है, ये आपके पास भी पॉलीलाइन है, ये भी और ये भी. जबकि ये जो है, ये सिंपल आपके पास लाइन है. ठीक है, अब आपने देख लिया हर एक क्लिक पे एक एक चीज सिलेक्ट हो रही है, जबकि यहां पे आपको हर एक क्लिक पे अलग अलग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है. इधर आ जाए तो आपके पास एक ही लाइन है. यानी कि आपके पास हर पॉइंट्स पे ब्रेक होने वाली लाइन है. जैसे कि मैंने आपको पहले लेसन के अंदर बताया था, लाइन और पॉली लाइन के अंदर जो फर्क होता है वही यहां पर है. तो अब लगाते हैं इसके ऊपर 3D की ऑप्शन. इसके लिए मैं जाऊंगा ड्रॉ के अंदर, मैं जाऊंगा सॉलिड के अंदर और एक्सट्रूड की ऑप्शन है मेरे पास. एक्सट्रूड की जो मेरे पास शॉर्टकट बनती है वो है EXT. EXT एंटर करने से आपके पास एक्सट्रूड की शॉर्टकट आ जाएगी, EXT. आप क्लिक करते हैं, यहां पे क्लिक किया, 1 2 3 4, क्योंकि मेरे मुझे ये कह रहा था ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दें. मैंने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दिया. मेरे जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, मेक श्योर हर एक चीज को फुल सिलेक्शन दे दें आप. मैंने तमाम चीजों को सिलेक्शन दे दी है. अब आप इसे एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से. मैंने इसको एंटर किया, अब कहता है हाइट बताओ इसकी ऑब्जेक्ट्स की. तो आप इसको कोई भी हाइट डिफाइन कर सकते हैं. यहां पे डियर स्टूडेंट्स, में जो हाइट दे रहा हूं वो 15 फीट की से दे देता हूं. 15 फीट की आपने हाइट दे दी है, अब आप इसे एंटर करें और एक और एंटर कर दें. अब जैसे मैंने इसको एंटर दो मरतबा किया है, मेरे पास यहां पर कुछ लाइनें ऊपर होकर आ चुकी हैं. अब ये लाइनें जो ऊपर हुई है, अगर आप शेप पे क्लिक कर दें तो ये आपके पास 3D शेप कुछ बनी है. देखिए ये आपके पास ब्लॉक बन गया, ब्लॉक बन गया, ब्लॉक बन गया, ब्लॉक बन गया. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है, ये जो लाइन है ये क्यों नहीं ब्लॉक बनी. हत्ता कि मैंने इसको भी फिर देखिएगा ड्रॉ सॉलिड एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक किया, मैंने इसको सिलेक्शन दे दी, एंटर किया और इसको भी मैं यहां पर
15 ही फिट्स की वैल्यू को एंटर और एंटर दो मरतब एंटर करता हूं, मेरे पास कोई भी यहां पे फंक्शन नहीं होता। जबकि इसी तरह से अगर मैं पॉलीलाइन यहां पे ले लूं 1 2 3 4, यानी कि इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब अगेन आप ड्रॉ के अंदर जाएं, सॉलिड के अंदर चले जाएं और एक्सट्रूड के अंदर चले जाएं। चले दोनों को सिलेक्शन देते हैं, मैंने सिलेक्शन दी है, एंटर किया, ठीक है। अब मैं अगर दोनों को फिर 15 फीट की हाइट देकर एंटर एंटर कर दूं, तो देखा आपने आपके पास ये शेप तो हाइट पर आ चुका है, लेकिन ये लाइन आपके पास हाइट पर नहीं आ रही है। इसकी क्या वजह है, इसकी क्या प्रॉब्लम है, इस चीज को देखते हैं फिर आगे निकलते हैं। तो मैं अब ये तमाम लाइनें डिलीट कर देता हूं आपको, क्योंकि मालूम हो चुका है आपके पास हर शेप ऊपर हो जाएगी मास वाई इस शेप के, क्योंकि हमें जो प्रैक्टिकली डिजाइनिंग करनी होती है वो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमें ऐसी लाइनों से करनी होती है। देखें कभी आपने इधर क्लिक किया कभी इधर, अब देखें ये मेरे पास ये शेप है, क्योंकि यहां से मैंने एक लाइन भी ले ली है और एक मैंने यहां पे आर्क भी ले ली है। अब अगर हम इसको एक्सट्रूड करने की कोशिश करें या ड्रॉ सॉलिड एक्सट्रूड करने की कोशिश करें, सिलेक्शन दे दी, एंटर कर दें और कोई भी वैल्यू देकर एंटर करें, तो ये हो नहीं पाएगा। क्यों कहते हैं अनेबल कर देता है इसको, आपके पास ये जो जिनको आप एक्सट्रूड करना चाह रहे हो ये तीनों ऑब्जेक्ट आपके पास जो है कि ये इसको वो एक्सट्रूड नहीं कर सकता है ऑब्जेक्ट्स को। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हर क्लिक पे ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इनको मैं कैसे मिलाऊंगा, तो इनको मिलाने के मुख्तलिफ आपके पास तरीके हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो ड्रॉ के अंदर सर्फिस के अंदर जब मैंने रिवॉल्व सर्फिस को यूज किया था, मैंने आपको पीई यानी कि पॉलीलाइन एडिट की मैंने आपको ऑप्शन बताई थी। तो मैं इसकी कॉपी बना लेता हूं अपने पास, यहां पे मैंने इसकी कुछ कॉपी बना ली है इधर। अब सबसे पहले हम लगाते हैं इसके ऊपर पॉलीलाइन एडिट, तो अपने कीबोर्ड से पी ई एंटर करते हैं। आप कहता है सिलेक्ट अ पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको आप पॉलीलाइन बनाना चाह रहे हो उस उन ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करो। अब मेरे पास एक लाइन तो है नहीं है, तीन लाइनें हैं, तो मल्टीपल में आ जाता है। एम प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, अब 1 2 3 एंटर कर दें। कहते हैं कन्वर्ट लाइन आर्क टू पॉलीलाइन, यस। फिर उसके बाद ऑप्शन क्या है, ज्वाइन, आपने इसको आपस में मिला भी देना है। अब देखें ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब ई एक्स टी या ड्रॉ के अंदर जाके सॉलिड के अंदर जाएं, एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक कर दें, तो इस मरतब में ई एक्स टी एंटर कर देता हूं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने किया और इसको भी मैंने कुछ हाइट दे दी है, तो देखें ये उस हाइट पर चला गया, परफेक्ट। अब मसला ये है अगर आप पॉलीलाइन एडिट नहीं करना चाहते हो, देन उसके बाद आपको मैंने एक और ऑप्शन बताई थी, अगर पॉइंट्स आपस में गैप नहीं है इनका, जब ये आपस में मिलते होंगे इस तरह से, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसको रीजाइन कर सकते हो। आप रीजाइन के ऊपर चले जाएं, 1 2 3 एंटर करें, मैंने जैसे एंटर किया मेरे पास ये ऑब्जेक्ट बना हुआ आ गया। आप देखिए ये सरफेस है बेसिकली, रीजाइन जो है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास बिल्कुल सर्फिस तरह, देखें इसने जैसे आपने इससे पहले सर्फिस किया था वही शेप है। इधर आए तो आपको ऐसे नजर आएगा, लेकिन जैसे आप इधर शेड्स में जाएंगे ये आपको ऐसे नजर आएगा। बहरहाल ई एक्स टी सेलेक्ट इंटर और कोई भी हाइट देके एंटर एंटर कर दे, तो आपके पास ये भी उस हाइट पे चला जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर बाउंड्री की ऑप्शन लगा देता हूं, तो फिर क्या होता है, आपके पास बाउंड्री की ऑप्शन कहां से आती है, ड्रॉ के अंदर जाएं और ये आपके पास बाउंड्री है, लेकिन इस मरतबा शॉर्टकट, क्योंकि अभी हमको ये याद रखनी है चीजें आगे, बी ओ, बी ओ एंटर करने से आपके पास आपका बाउंड्री की ऑप्शन आ जाती है। तो मैंने बी ओ एंटर किया, पिक पॉइंट पूछ रहा है, मैंने इसको पिक पॉइंट इसके मिड में दिया और मैं इसको एंटर कर देता हूं। अब आप जैसे क्लिक करते हो तो देखें आपके पास यहां पर भी ग्रुप बना हुआ आ जाता है, तो ई एक्स टी सेलेक्ट कर इंटर और कुछ हाइट दे इंटर इंटर, देखें मेरे पास ये 12 फिट्स की हाइट पर ये शेप होकर ऊपर आ चुकी है। इसी तरह से अब मसला क्या है, अगर आपके पास ये गैप हो तो डेफिनेटली अगर आप इसके ऊपर रीजाइन लगा देते हो तो रीजाइन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। अगर आप बाउंड्री लगा देते हैं, बी ओ एंटर किया, वो भी इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। अगर आप इसको पी ई पॉलीलाइन एडिट एम मल्टीपल सेलेक्ट यस जॉइन ये तमाम ऑप्शन लगा देते हैं, क्लिक करें, देखिए आपके पास ये सिलेक्ट हो चुका है, क्या ये एक्सट्रूड होगा, ईएक्सटी एंटर कुछ भी हाइट देके एंटर एंटर देखें, तो ये ऑब्जेक्ट आपका हाइट नहीं लेगा, क्यों आपके पास इधर गैप था। चलें मिला दिया, ईएक्सटी सिलेक्ट एंटर कोई भी हाइट, तो देखा आपने जब आपके पास लाइनें पॉलीलाइन शेप में है लेकिन एक दूसरे के अंदर वो गैप दे रही हैं, तो फिर कभी भी वो आपके पास एक्सट्रूड नहीं हो सकती हैं, जब तक आप उनके गैप्स को आपस में खत्म नहीं करते हो, ठीक है।
इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, बाज औकात आपके पास कुछ ये लाइनें हैं, मिसाल के तौर पर एक और मेथड है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो क्या है, लाइंस का। आप इसके ऊपर पॉली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने मैं आपको मेथड बताए हैं ये तमाम लेंथी हैं। जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं, हमारे पास ये शेप बनी हुई है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पॉली लाइन के ऊपर जाऊंगा, मुझे स्टार्ट पॉइंट याद रखना है 1, 2, 3 और यहां से क्लोज कर दें। जैसे मैंने क्लोज किया, मेरा ऑटोमेटिकली पॉइंट इधर क्लोज हो चुका है। अब ext क्लिक करें, देखिए 1, 2 वाला एक है, ठीक है, स्किप ext, सेलेक्ट इंटर, कोई भी हाइट देकर इंटर, देखिए आपके पास ये शेप हाइट में आ चुकी है, ठीक है। अब वापस देखते हैं नीचे, मेरे पास फिर वही शेप अलग-अलग हो चुकी है। अगेन मैंने पॉली लाइन उठाई 1, 2, 3 और अब मैंने इधर ला के इसे एंटर कर दिया है। याद रखिएगा, मैंने यहां पर लाकर इसको एंटर किया है, क्लोज वगैरह के ऑप्शन नहीं लगाए। ext एंटर कर दें इसे और कोई वैल्यू दे दें, देखें ये भी आपके पास क्या होगा, हाइट पे आ जाएगा। ये मैंने अभी अभी आपको पॉइंट समझाया था, जब लाइंस मिल रही हैं तो वो उसको क्लोज कंसिडर करता है और उनको आपस में वो मिलाकर आपको दे देता है। अब देखते हैं, बाज़ुकात प्रॉब्लम हमें एक फेस आती है, देखें 1, 2, 3, अब मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे क्लोज हो रहा है, लेकिन गलती से मैं आगे गया हूं, अब मैंने उसको क्लोज कर दिया। अब देखिए क्लिक करने में तो आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, आपने क्लिक किया, जैसे आपके पास ये ऑब्जेक्ट आपके पास क्लिक करने में एक ही नजर आता है, क्लिक करें एक ही नजर आ रहा है, इसी भी क्लिक करें एक ही नजर आ रहा है। ext दोनों के ऊपर लगाते हैं, सिलेक्शन दी, एंटर कर दें और कुछ हाइट देके एंटर कर दें। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, यहां पर तो हाइट आपके पास निकल कर आ चुकी है, लेकिन 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 यहां पर आपके पास हाइट क्यों नहीं आई है, आपने तो इसको वैल्यू दे दी है, अब इधर क्यों नहीं वैल्यू शो हो रही है हाइट की। अब ऐसा प्रॉब्लम क्या है, देखें जब आपने यहां से पॉइंट लाइन ली है, आपने इसको एक पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट दिया, तीसरा पॉइंट दिया और यहां पर आपका एंड हो रहा था, यहां पर आप क्लोज या एंटर करते तो ठीक है, लेकिन मैं आगे निकल गया था यहां से। जब आप उस लाइन के ऊपर अगेन एक मरतबा घूम जाते हो, अब आप क्योंकि अब इसका एंडिंग पॉइंट फिर दूर हो चुका है, ext कर दें, सिलेक्शन एंटर और कोई भी हाइट देकर एंटर करें तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए अब कंफ्यूजिंग पॉइंट ये है, जब आप मैप्स वगैरह बना रहे होंगे उसके ऊपर ये ऑप्शन अगर आप अप्लाई करते हो तो वहां पर आपको क्या पता लगेगा, क्या आप याद रखेंगे आपने इसको कहां से स्टार्ट किया था और कहां पे एंड हो रहा है। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक लेसन बताया था लेयर्स का, याद है आपको, लेयर्स को जब आप बनाते हो, यहां पे आप क्लिक कर दें, मैंने इसको क्लिक किया यहां पे और तो मैं एक लेयर बना देता हूं डियर स्टूडेंट्स। यहां पे लेयर बनाने के लिए मैंने जस्ट लेयर्स के ऊपर क्लिक किया और आप इसको कोई भी नाम दे दो, 1, 2, 3 और मैं इसको कलर दे देता हूं डिफरेंट, तो मैंने इसको एक रेड कलर दे दिया, ओके कर देता हूं और मैं इसे ओके कर देता हूं यहां से, ठीक है, क्लिक कर दे यहां पे, सॉरी मैं कलर इसको दे नहीं पाया था ठीक तरह से, वापस मैंने लेयर के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास ये कलर है तो मैंने इसको यहां से रेड कलर दे दिया है और मैंने इसको ओके किया, रेड कलर आ चुका है, ओके कर दें इसे। अब आप क्या करें, जब आप यहां पे क्लिक करते हैं इसको इधर क्लिक कर दें और फिर पॉइंट लाइन पे क्लिक करें और अब इसके ऊपर 1, 2 देखें आपके पास एक और डिफरेंट कलर की लाइन आ चुकी है, यानी कि आपने लाइन के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ की है और अब आपको मालूम है यहां पर आपका क्लोज हो रहा है, तो एंटर कर दें, ext सेलेक्ट इंटर और कोई भी हाइट देकर इसको एंटर कर दें, तो देखें उस हाइट पे आपके पास हाइट लेकर आपके पास आ जाएगा। फिर देखिएगा मैंने क्या किया था, यहां से मैंने ext सेलेक्ट, मैंने इसको 12 फीट की हाइट दी, एंटर और एंटर, तो देखें आपके पास ये तमाम चीजें एक्सट्रूड होकर आपके सामने आ चुकी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था अगर आपके पास जो सिंपल लाइनें होती हैं उसको आपने एक्सट्रूड कैसे करना है। अब वापस मैं इसी शेप को लगाऊंगा और उसको जरा हम डिटेल से देखेंगे इस शेप्स को। देखें जब हम ड्रॉ के अंदर चलते हैं, सॉलिड और एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक किया, पॉइंट दें, एंटर कर दें, आपसे कहता है हाइट बताओ कितनी है, आप इसे बताते हो हाइट आपके पास है लेट से 25 फीट है, आपने कहा 25 फीट की हाइट है, देन ये आपसे कहता है एंगल बताओ कितना है, एंगल ऑफ टैपर बताओ कितना है। अब आप इसको कोई एंगल दे दें, ठीक है, पहले आप इधर 0 एंटर करते थे ना, अब कोई वैल्यू दें और देखें क्या होने जा रहा है। तो यहां पर मैं वैल्यू दे देता हूं 15 की, 15 फीट नहीं है क्योंकि एंगल जो होते हैं वो 0 से लेकर 360 तक होते हैं, तो यहां पर मैंने इसको 15 का एंगल देकर जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो देखें आपके पास यहां पर जो शेप थी ये बिल्कुल एक ब्लॉक शेप बनकर आई है, जबकि ये जो शेप है ये नीचे से टेपर होने लग गई है, यानी कि ये यहां से 15 के एंगल पर जा रही है, देखें
अगर आप इस व्यू में आ जाएं तो आपको वाजे नजर आएगा। देखिए यहां से ये यहां लाइनें बिल्कुल सीधी हैं, यहां से देखिए हर लाइन बिल्कुल सीधी है, जबकि ये जो लाइन है यहां से टेपर की गई है 15 के एंगल के ऊपर। ठीक है, फिर जरा देखिएगा, इसे मैंने को राइट एंगल ड्रॉ किया, मैंने इसको हाइट दे दी है 50 फीट की दे देता हूं, और एंगल पूछता है, मैंने कहा मेरे पास है 20 का। जैसे मैंने उसको एंटर किया तो देखिए मेरे पास, अब आपको कंफर्म समझ आ गया होगा, यहां से मेरे पास 50 है, सॉरी यहां से मेरे पास जो मैंने उसको लेंथ और विड्थ दे दी, फिर हाइट 50 पे चला गया और उस एंगल पे गया है जो मैंने उसको एंगल डिफाइन किया है यहाँ पे। अगर मैं इधर कुछ भी एंगल ना दूं, जैसे मेरे पास ये बॉक्स है, मैंने क्लिक किया, मैं इसको 25 फिट की हाइट दे देता हूँ, 25 फिट और एंटर एंटर, तो देखें जस्ट मेरे पास ये बॉक्स शेप बना हुआ आगे निकल कर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वापस आप इसी के ऊपर क्लिक कर दें, एक्सट्रूड के ऊपर चले जाएं, आपके पास एक और ऑप्शन यहाँ पर आती है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देते हो, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास ये सर्कल है एक, EXT सिलेक्ट किया, एंटर कर दें, कहता है हाइट बताओ आर, या फिर आपसे ये पाथ पूछ रहा है। अब पाथ क्या होती है? पाथ आपके पास एक रास्ता होता है, आपने इसको रास्ता डिफाइन करना है, एक पाथ डिफाइन करनी है, जो आप इसको रास्ता पाथ डिफाइन करेंगे उसके ऊपर ये हाइट लेकर चला जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, ड्रॉ किधर जाएं, सरफेस किधर जाएं, जैसे मैंने आपको टैबलेट सरफेस यूज करने का तरीका बताया था, सेम टू सेम ऐसा ही है, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल है। तो मैं एक पाथ बना लेता हूं, मैंने एक पॉली लाइन ले ली है यहां से, 1 2 ए से आर को मैंने एक्टिव किया, मैं कलर अपने डिफरेंट कर लेता हूं क्योंकि रेड कलर बाज़ का आपको ठीक दिखाई नहीं देता। ठीक है, अब मैंने इसको एक पॉइंट दे दिया, दूसरा दे दिया, और ए से आर्क ले लिया है 1 और 2, मुख्तलिफ मैंने इसको पॉइंट्स दे दिए हैं। अब जी स्टूडेंट्स, जो ऑप्शन अप्लाई करने जा रहे हो आप लोग एक्सट्रूड की, पाथ की, इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है या एक शर्त है। वो क्या रिक्वायरमेंट है हमारी? इन दोनों ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट को 90 पे होना जरूरी है, यानी कि या तो ये वाला ऑब्जेक्ट आपका 90 पे हो या ये ऑब्जेक्ट आपका 90 पे हो। 90 से क्या मतलब है? मॉडिफाइड 3D ऑपरेशन और रोटेट 3D पे आप चले जाओ, स्लेट को सिलेक्ट किया, एंटर कर दें, एक पॉइंट दें और दूसरा पॉइंट दें, अब जस्ट आप 90 एंटर कर दें तो आपके पास ये 90 पे आ जाएगा। अब आप ऑब्जेक्ट को मूव करें और इसके मिडिल पे ले आए या कहीं भी कॉर्नर पे आप इसके साथ टच रख सकते हैं। आपने क्या EXT एंटर सेलेक्ट कर दें, एंटर कर दें, अब हाइट ना दें, इसे P एंटर करें, पाथ। अब कहते हैं सेलेक्ट करें किस पाथ को आप देना चाह रहे हो, तो मेरे पास पाथ वो क्या है, दिस वन। तो देखा आपने, उसी शेप के ऊपर वो चीज आपकी अप्लाई होकर चली गई है। फिर देखिएगा, हमारे पास एक पाथ होनी चाहिए, चाहिए पॉइंट लाइन की वजह से आप बना लें, तो मैं बना लेता हूं, आर्क लगा दी मैंने, अगेन मैंने लाइन लगा दी यहां पे और बिल्कुल इसके सामने क्लिक कर दिया, मॉडिफाइड 3D ऑपरेशन, रोटेट 3D, सेलेक्ट, इंटर, एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। देखा डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था आपके पास 3D रोटेट जो है वो बहुत ही ज्यादा यूज होगा, इसलिए आपको उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी थी। अगर आपको अभी तक परफेक्ट आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो प्लीज अभी भी आपके पास टाइम है, करें प्रैक्टिस उसकी। अब मैं एक यहां पर शेप ड्रॉ कर लेता हूं पॉइंट लाइन की मदद से, मैंने कहा 1 इधर आ जाओ, फिर इधर, इधर, फिर इधर क्लिक करें, मैं एक शेप बना लेता हूं यहां से और मैंने इसको क्लोज कर दिया, मेरे पास ये शेप बन चुकी है। अब आप जा रहे हैं EXT सेलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को, एंटर कर दें P और जस्ट आपके पास ये पाथ है। तो देखा आपने, अब वही डिजाइन, वही सेम टू सेम डिजाइन आपका इधर बना हुआ आ चुका है, तो ये आपके पास पाथ है। अगर आपकी पाथ ऐसे है, मैं यहां पे फिर पॉइंट लाइन ले लेता हूं, मैंने पॉइंट लाइन ले ली, अगर आपके पास ये पाथ है और आपने एक रेक्टेंगल लिया हुआ है, आपके पास आपका ये रेक्टेंगलर है, एग्जांपल के तौर पे ये मेरे पास है, मैं इसको मॉडिफाइड 3D ऑपरेशन और रोटेट 3D सेलेक्ट, मैं मूव के अंदर गया, मैं इस चीज को उठा के ले आता हूं, मैंने कहा EXT सेलेक्ट करें, एंटर करें, P एंटर करें और जस्ट पाथ के ऊपर क्लिक करें। देखा आपने, उसी पाथ के ऊपर आपको लेकर ये चला जाएगा आगे की तरफ। देखा, जो जो आपने इसको पाथ दी है उसी पाथ के ऊपर आपको ये लेकर चला जाएगा, लेकिन यहां पर शर्त इस बात की है, ये जो आपके पास है पाथ जो है
ये 1 2 all आपके पास एक ही शेप हो, अगर आप इस चीज को डिलीट भी कर दे तो पाथ आपके पास नीचे मौजूद रहती है, ठीक है। अगर मैं इसको भी डिलीट कर दूं, देखिए पाथ आपके पास मौजूद रहेगी। तो ये जो स्टूडेंट्स मकसद था इस लेसन के अंदर मैंने आपको बताने का, इस लेसन के अंदर आपने प्रैक्टिस करनी है, जब तक आपको क्लियर ना हो हमेशा की तरह आगे ना जाए। तो मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद xpacademy.com की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप xpacademy की तैयारकर्ता फुल ऑटोकैड कोर्स परचेज करना चाहते हैं, या अगर आप एक्सपी अकेडमी वालों की तैयार करता वो सिटी जिसके अंदर मैप कलेक्शन है, जिसके अंदर सेक्शन एलिवेशंस इंटीरियर डिजाइन और डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, जो कि ऑटोकैड की फॉर्मेट में है, इन दोनों डीवीडीज में से जो भी आप लेना चाहें आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं xpacademy@ymail.com। हमारा स्काइप आईडी है एक्सपी अकेडमी और हमारी हेल्पलाइन है 03439017779 पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है इन्हीं नंबर्स पर भी आप हमें दोबारा से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाजत आपसे चाहता हूँ, अस्सलामुअलैकुम।